उत्तर प्रदेश के हरदोई में आईजी लक्ष्मी सिंह अचानक कोतवाली देहात थाने में पहुंच गई। उनके अचानक थाने में पहुंचने से थाने में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने यहां परेड की सलामी ली और कुछ खामी पाए जाने पर एक सिपाही को फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि आईजी मिशन शक्ति का निरीक्षण करने यहां पहुंची थी। आईजी के साथ एसपी अनुराग वत्स व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आईजी के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति रही। कोतवाली देहात थाने में आईजी को सलामी दी गई। सलामी के दौरान कुछ खामी पाए जाने पर आईजी ने एक सिपाही को फटकार लगाते हुए सुधार की नसीहत दी। आईजी ने थाने का भी निरीक्षण किया। आपको यहां बता दें कि आईजी मिशन शक्ति के निरीक्षण के लिए यहां पर पहुंची थी। आईजी ने कहा कि इस मिशन शक्ति को लेकर लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। उन्होंने बताया कि इसी के तहत आपदा शक्ति मोबाइल का भी गठन किया गया है, जिसकी पहुंच अब शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी होगी और सूचना पर तुरंत पुलिस पीड़ित के पास पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर तक सभी थानों में रिसेप्शन महिला हेल्प डेस्क की स्थापना होनी है। इसके तहत यहां पर आने वाले सभी फरियादियों को बिठाया जाएगा, उनकी समस्या सुनी जाएगी। यहां पर सभी विभागों के अधिकारियों के नंबर भी मौजूद रहेंगे, जिससे उनकी समस्या का त्वरित समाधान हो सकेगा। हरदोई से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। 17 अक्टूबर से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति का आगाज किया गया है, इसका शुभारम्भ किया गया है। इसी क्रम में हम विभिन्न जिलों में मिशन शक्ति के अंतर्गत क्या कार्रवाइयाँ की जा रही है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ जो कमी समझ में आ रही है उसके लिए इंगित कर रहे हैं। यहाँ पर हर थाने में एक आपका शक्ति मोबाइल का गठन कर लिया गया है, जिसकी पहुँच अब न केवल शहरी इलाकों में बल्कि गाँवों के प्रत्येक अंचल तक पहुँचाने का जिम्मा उठाना होगा। साथ ही साथ पुलिस थानों में 25 अक्टूबर तक एक रिसेप्शन महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया जाना लंबित है, जिसको हम शीघ्र पूरा कराएंगे। इस रिसेप्शन डेस्क का उद्देश्य है कि हम थाने में आने वाले हर पीड़ित को, हर शिकायतकर्ता को वन विंडो सोल्यूशन दे पाने में सक्षम हों। उसको एक ही जगह पर बैठाया जाए, शिष्टाचार के साथ उसको बैठा के उसकी बात पूरी गंभीरता के साथ सुनी जाए और उसको जहाँ पर जिससे जाना है उसके लिए उसको निर्देशित कर दिया जाए, पहुँच कराई जाए। उसकी मदद के लिए अस्पताल के नंबर यहाँ पर हों, उसकी मदद के लिए आपके विभिन्न विभागों के, सरकारी विभागों के नंबर यहाँ पर हों, उसकी मदद के लिए आपके राजस्व विभाग के नंबर यहाँ पर हों, ताकि हम जल्द से जल्द उसकी समस्या का निस्तारण कर पाने में सक्षम हों। इसके साथ ही साथ इसका उद्देश्य ये भी है कि हम एक रिकॉर्ड बिल्डिंग की एक्सरसाइज करें, ताकि उसको एक टोकन पर्ची का सिस्टम यहाँ तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उसको एक टोकन पर्ची दे दी जाए, ताकि पीड़ित को भी आभास हो कि हमने जो शिकायत की है उसका टोकन नंबर देगा और इतनी इतने दिनों में उसका निस्तारण संभव होगा। बैठा के हर आगंतुक को पानी पिलाने का एक शिष्टाचार भी का वातावरण भी तैयार किया जा रहा है। एक सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी इसकी रिकॉर्डिंग थाने में उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए उच्च अधिकारी समय समय पर आकर उसका पर्यवेक्षण कर सके। मैडम, पुलिस की जो छवि है और जनता में पुलिस के प्रति जो एक नकारात्मक अवधारणा है उसको बदलने की दिशा में ये एक सार्थक कदम है, एक मजबूत कदम है और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस की छवि जनता में और बेहतर होगी। मैडम, एक सवाल है अभी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।